तो दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। 2025 के क्रिकेट ट्रायल में जो भी क्रिकेट प्लेयर है अपनी गलत एज बताता है क्रिकेट ट्रायल में आकर, उस क्रिकेट प्लेयर को दोस्तों 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से। बहुत बड़ी अपडेट है। अब आपको 2 साल के लिए बैन तो किया जाएगा, साथ में 20,000 रुपये का जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा बीसीसीआई को। ऐसी अपडेट मिली है बीसीसीआई की तरफ से। और जितने भी प्लेयर हैं क्रिकेट प्लेयर 2025 में क्रिकेट ट्रायल देने आ रहे हैं उनकी उम्र पता करने के लिए मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा उन प्लेयर का। और मेडिकल टेस्ट में अगर आप लोग पास हो जाते हो तो आपको आगे खेलने को मिलेगा, नहीं तो आप लोग पर दोस्तों अगर क्रिकेट ट्रायल में दोस्तों मेडिकल टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो दोस्तों आपको 2 साल का बैन झेलना पड़ सकता है और 2 साल तक आप कोई भी ट्रायल नहीं दे पाओगे, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको जन्म प्रमाण पत्र है जो आपका, उसमें आपको सही उम्र बतानी पड़ेगी। अगर अंडर 14 बताइए, अंडर 16 बताइए, अंडर 19 है तो अंडर 19 बताइए, और अंडर 23 है तो आपको अंडर 23 बताइए, जिससे कोई भी सिलेक्टर आपका जन्म प्रमाण पत्र देखे तो आपको मेडिकल करने के लिए वो ना बोले, क्योंकि उनको डाउट होता है तभी वो आपको मेडिकल करने के लिए भेजते हैं। और आपका 2 साल का बैन भी लग सकता है अगर आप गलत उम्र बताओगे तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपनी कोई भी राय हो तो कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों।